इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र, जहां पर हो रहे वहां पर दो उपचुनाव कस्बा पेठ और चिंचवाड़ में लगातार यहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। शाम का वक्त है, तकरीबन 3 बजे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 30% के तकरीबन वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन अभी तक के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। 6 बजे चुनाव आयोग हो सकता है कि आंकड़े जारी करे, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो चुनाव है वो हो रहा है। आपको बताते चले कि ये जो दोनों ही अहम सीट हैं और बीजेपी इन दोनों पर ही कब्जा करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीटें कही जा सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के हाथों ही ये सीटें रही हैं। ऐसे में अब ये चुनाव देखने वाला दिलचस्प होगा कि आखिर ये किसके हिस्से में ये पूरा जाता है। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंट ज़रूर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 बजे तक महज सिर्फ और सिर्फ 30% ही चुनाव के नतीजे रहे, चुनाव का प्रतिशत रहा है। अब 6 बजे के आंकड़े देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत कितना जाता है और कितना नहीं। अधिक जानकारी के साथ सूरज जुड़ गए हैं, सहयोगी सूरज। दोनों ही अगर सीटों की बात करें तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? वोटिंग परसेंट जिस तरह से देखा जाए, क्या ऐसा ही वोटिंग परसेंट दोनों ही सीटों पर रहता है, क्या इस बार ही देखने को मिला है? क्योंकि 3 बजे तक 30% के तकरीबन बताया गया। सूरज, अभी जो ताजा जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट है इन दोनों ही सीटों पर, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े जो जारी हुए हैं वो हमारे पास हैं, जो हमने दर्शकों को बताए 30% तक की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट? जैसे कि आप देख रहे हैं, चित्तौड़ विधानसभा में अभी तक 5 बजे से पहले 41.6% वोटिंग हो चुका है, और कस्बा की बात करें तो 40% वोटिंग हो चुका है। बिल्कुल, ये सूरज अगर देखें कि ये जो वोटिंग परसेंट है बिल्कुल ना के बराबर देखा जाए है, क्योंकि अगर 3 और 5 बजे तक अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंट बहुत कम है। तो क्या ऐसे पहले सीटों पर परंपरागत इसी तरह से वोटिंग होती आई है, क्या इस बार कम वोटिंग की गई है लोगों के द्वारा? हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र राज्य में जो राजनीति चल रही है उसके वजह से लोगों ने ऐसा लग रहा है कि मतदान करने से इनकार कर दे। पिछले 2019 की बात करें तो 5 बजे तक 63.59% वोटिंग हुआ था, और इस बार केवल 41.6% हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं लोगों के, आखिर क्या मुद्दे थे जिन्हें लेकर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे और अपना वोट डाला? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि हवा किसकी नजर आ रही, किसके पलड़े में जा सकता है नतीजा? जैसे देखा जाए तो कस्बा में राष्ट्रीय पक्ष के दो उम्मीदवार है, एक कांग्रेस के रविंद्र धनकेकर और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा के रविंद्र रासनेवर। कस्बा की बात करें तो अभी के समय में रविंद्र धनकेकर जी का पकड़ा बहुत ही भारी लग रहा है, और चित्तौड़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार अश्विनी जगताप और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लाला काटे, और चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में अश्विनी जगताप जी का पकड़ा बहुत ही भारी लग रहा है इस समय की बात करें तो। ठीक है, दोनों ही सीटों पर किसी प्रकार की कोई अवरोधक पैदा उत्पन्न हुआ, कोई मशीन खराब या फिर कुछ दंगा फसाद की कोई खबर? जैसे कि हमसे जानकारी मिलने मुताबिक चित्तौड़ विधानसभा में 12वीं मशीन में खराबी आई, तुरंत चुनाव अधिकारी घटनास्थल पे पहुंच के वो दुरुस्त किए मशीन, और अभी पूरे साफ तरीके से अभी चुनाव चल रही है। अभी चुनाव खत्म होने में 1 घंटा बाकी है, देखते हैं कितना प्रतिशत और वोटिंग होता है। ठीक है, जो 1 घंटे का बाकी का समय दिया गया है, ये अब लगभग एंट्री बंद कर दी गई होगी, क्योंकि 1 घंटे का वक्त है, 8 घंटे का वक्त तो जो लोग पहले से इसमें एंटर हो चुके हैं वही करेंगे। क्या अभी एंट्री बंद कर दी गई है, अभी भी चालू है, कुछ क्षणों में बंद की जाएगी? जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी भी एंट्री चालू है। चुनाव अधिकारी से बात हमने की तब उन्होंने कहा कि आखिरी आधे घंटे में हम एंट्री बंद कर देंगे, केवल जो बूथ के अंदर जो चुनाव मतदाता है केवल उनका ही वोटिंग हम लेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज। ये थे हमारे सहयोगी सूरज, उन्होंने ये जानकारी दी है। दोनों ही कस्बा पेठ और चिंचवाड़ सीटों पर अभी भी मतदान जारी है, हालांकि कोई भी ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई है, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन हाँ, 1-2 जगह पर मशीन की खराबी का जरूर सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन तुरंत ही मशीन को बदल दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं।